दिस कंटेंट ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। जब कोई स्किलफुल हैकर ठान लेता है तो वल्नरेबिलिटी को पहली बार में ही ढूंढकर दम निकालता है, और इसी तरह सर्च की गई या ढूंढी गई न्यू वल्नरेबिलिटी को जीरो अटैक कहते हैं। किसी ऑपरेटिंग सिस्टम, किसी सर्वर, किसी सॉफ्टवेयर, किसी पोर्ट्स, कहीं पर भी या किसी मीडिया डिवाइस में ढूंढी गई सबसे पहली वल्नरेबिलिटी, सिंपल शब्दों में कहें तो ऐसी वल्नरेबिलिटी जिससे उससे पहले नहीं ढूंढा गया था। कोई हैकर या अटैकर वल्नरेबिलिटी को सर्च करता है सबसे पहले तो उस डे को जीरो डे कहा जाता है। हैकिंग कम्युनिटी में इस जीरो डे को बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। क्यों इसे इतना इंपॉर्टेंट माना जाता है तो आइए जानते हैं दोस्तों। यहाँ पर तीन कारण है जिनकी वजह से जीरो डे को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है स्कैनिंग में। तो यहाँ पर सबसे पहला कारण है, यू कैन सी नो ऑन नो अबाउट द वल्नरेबिलिटी सो द हैकर कोड स्टार्ट हैकिंग हंड्रेड्स ऑफ वेबसाइट बिफोर द वल्नरेबिलिटी इज डिस्कवर्ड एंड पैचेड। यानी कि जब कोई अटैकर ऐसी वल्नरेबिलिटी ढूंढ लेता है जिससे इसके पहले नहीं ढूंढा गया था, वो सबसे पहला हैकर होता है जिसने इस वल्नरेबिलिटी को ढूंढा है या ढूंढा गया था। तो उस वल्नरेबिलिटी के जरिए जिस जिस वेबसाइट में वो वल्नरेबिलिटी होती है थाउजेंड्स ऑफ वेबसाइट को हैक करता है। जब तक वो सर्वर मैन या सॉफ्टवेयर में मैन्युफैक्चर वल्नरेबिलिटी या उस लूपहोल को दूर नहीं कर देते तब तक हंड्रेड्स ऑफ वेबसाइट को हैक कर लिया जाता है। जब उस वल्नरेबिलिटी के बारे में मैन्युफैक्चरर को पता चलता है, अब दूसरी बात ये भी है जो सर्च की गई वल्नरेबिलिटी है उसको बेचा भी जाता है कई डॉलर्स में, दूसरे हैकर को बेच देते हैं और कहते हैं ये वल्नरेबिलिटी मैंने खुद से ढूंढी है और इसके जरिए इस सिस्टम को या पार्टिकुलर सॉफ्टवेयर को हैक किया जा सकता है। तीसरी और इम्पोर्टेंट बात यह है कि हैकर के जरिए ढूंढी गई ये नई वल्नरेबिलिटी इस वल्नरेबिलिटी के जरिए हैक किए गए सैकड़ों वेबसाइट ये प्रूफ करती है कि जिस हैकर ने इस वल्नरेबिलिटी को ढूंढा है वो कोई मामूली हैकर नहीं हो सकता, वो एक स्किलफुल हैकर है। इसलिए हैकिंग कम्युनिटी में इसकी रैंक बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसी तरह की वल्नरेबिलिटी के दो एग्जाम्पल है, पहला है डेनियल ऑफ सर्विस जिसे आप डोस अटैक के नाम से भी जानते हैं, दूसरा है बफर ओवरफ्लो यानी कि POF जिससे वेबसाइट को हैक किया जाता है। ये वो वल्नरेबिलिटी है जो जीरो डे कहलाती है। नेक्स्ट अब हम जानते हैं पोर्ट्स और सर्विस के टेक्निकल डेफिनेशन। सबसे पहले हम जानते हैं पोर्ट क्या होता है। पोर्ट्स ए लॉजिकल कनेक्शन दैट अलाउ डेटा टू बी सेंट फ्रॉम वन एप्लीकेशन टू अनदर डायरेक्टली। मतलब एक कंप्यूटर से जब दूसरे कंप्यूटर से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है, कोई भी मीडिया डिवाइस एक कंप्यूटर में कनेक्ट होती है तो उन सारी सर्विस के लिए हम जो यूज़ करते हैं पोर्ट्स कहलाते हैं। वेबसाइट यूज़ करने के लिए HTTP वगैरह पोर्ट का यूज़ करते हैं। मेल करने के लिए आप SNT, SMTP, POP3 ये वही पोर्ट्स है जो ओपन मिलने पर जिनके थ्रू हैकर सिस्टम और सर्वर को हैक कर लेता है। नेक्स्ट सर्विस क्या होती है। सर्विस ए प्रोसेस रिक्वायरिंग नो यूजर इंटरेक्शन दैट रन्स ऑन ए कंप्यूटर एंड फैसिलिटीज द फंक्शनिंग ऑफ द कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एसोसिएटेड एप्लीकेशन। मतलब वो सर्विस जो आपके OS में ऑलरेडी बिल्ट होके आती है, जिनके लिए किसी यूजर इंटरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है, ये ऑलरेडी बिल्ट होती है। जैसे टेलनेट, FTP वगैरह इस तरीके से सर्विस अगर आपके पोर्ट्स में या फिर नेट बायोस सर्विस वगैरह आपके OS में अगर ओपन मिल जाए जिनके थ्रू हैकर आपके सिस्टम को आसानी से हैक कर लेता है, रिमोटली एक्सेस करने की कोशिश करता है, मतलब पूरा कंप्लीट कंट्रोल करके अपने हाथ में ले लेता है, इसी तरीके से वो हैकिंग को अंजाम देते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।